दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको ब्लैक होल के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताएंगे जो हैरान कर देने वाले हैं। अरबों सालों के बाद जब कोई सूरज का अंत होता है तो वो एक ब्लैक होल का रूप ले लेता है। ब्लैक होल एक ऐसा पिंड होता है जिसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है। 18वीं शताब्दी में ही वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल के अस्तित्व की शंका जाहिर कर दी थी, परंतु इस रहस्य से पर्दा तब उठा जब 1964 में पहले ब्लैक होल किंग्स X1 के संकेत मिले। अगर हम माउंट एवरेस्ट को 1 नैनोमीटर से भी छोटे साइज में कंप्रेस कर दें तो वह एक ब्लैक होल बन जाएगा। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि इसके गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण समय धीरे चलने लगता है और ब्लैक होल के केंद्र तक आते आते समय पूरी तरह से रुक जाता है। ब्लैक होल के बाहरी सतह को इवेंट होरिजन कहते हैं, जिसमें एक बार प्रवेश करने के बाद कोई चीज वापस नहीं आ सकती, यहाँ तक कि प्रकाश भी नहीं। ब्लैक होल अपने सामने आने वाले हर तरह के पदार्थ को निगल लेता है, चाहे वो कोई ग्रह हो या तारा। हमारे ब्रह्मांड में अनगिनत ऐसे ब्लैक होल है जिसका द्रव्यमान अरबों तारों से भी ज्यादा है। कोई भी पदार्थ जो इवेंट होरिजन यानी कि ब्लैक होल की सीमा में प्रवेश करता है वो अणु और परमाणु में टूट जाता है। ब्लैक होल के केंद्र को सिंगुलरिटी कहते हैं। ये वो जगह है जहां भौतिकी के सारे नियम काम करना बंद कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिंगुलरिटी में द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है और आयतन बहुत कम। इसका द्रव्यमान हमारी कल्पना से परे है। ब्लैक होल के 1 सेंटीमीटर में पूरी धरती का द्रव्यमान समा सकता है। ब्लैक होल लगातार बहुत अधिक मात्रा में तरंगे छोड़ रहा है, जिससे उसका द्रव्यमान कम हो रहा है। एक दिन ऐसा आएगा जब ब्लैक होल इलेक्ट्रॉन के माप का हो जाएगा। अगर कोई चीज प्रकाश की गति से भी तेज चलती है तो वो ब्लैक होल को पार करके निकल सकती है, परंतु ब्रह्मांड में अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं मिली है जो प्रकाश की गति से भी ज्यादा तेज चलती हो। वैज्ञानिकों का कहना है कि हर गैलेक्सी के केंद्र में एक बहुत बड़ा ब्लैक होल घूम रहा है। हमारी धरती के सबसे पास का ब्लैक होल करीबन 1600 प्रकाश वर्ष दूर है। हमारी गैलेक्सी का ब्लैक होल सेजिटेरियस A+ है, जो गैलेक्सी के सेंटर में है, जिसका द्रव्यमान 4 मिलियन सूरज के द्रव्यमान के बराबर है और हमसे 30,000 प्रकाश वर्ष दूर है। ब्लैक होल ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा ध्वनि उत्पन्न करता है, लेकिन ये ध्वनि हमारे सुनने की क्षमता से परे होता है, इसलिए हम इसे सुन नहीं पाते। ब्लैक होल को कभी देखा नहीं जा सकता क्योंकि उसकी तरफ जाने वाला प्रकाश परिवर्तित नहीं होता। ब्लैक होल प्रकाश को निगल जाता है। अगर कोई व्यक्ति ब्लैक होल के इवेंट होरिजन के बाहर से गुजरे तो वो भविष्य देख सकता है, क्योंकि ब्लैक होल पर समय पृथ्वी के मुकाबले बहुत धीमा चलता है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस तरह ब्लैक होल होता है उसी तरह व्हाइट होल भी होता है। ब्लैक होल अपने आसपास की चीजों को निगलता रहता है और व्हाइट होल ब्रह्मांड में द्रव्यमान को निगलता रहता है। तो दोस्तों, ये हैं ब्लैक होल के बारे में रोचक तथ्य। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक पे हिट कीजिए और हमारे कमेंट्स बॉक्स में कुछ कमेंट्स अवश्य कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। जय माता दी।